Hello students, yesterday we have done some numbers, natural numbers, whole numbers, rational numbers and integers, and also we have learnt about representation of integers on number line, natural numbers on number line. Today we are going to do some properties related to integers. First of all, we will do properties under addition. Under addition, properties of addition, properties of addition. First property is commutative property. In this property we have two numbers A and B, then A plus B always equals to B plus A, means ki mere paas koi do number hai. For example mere paas do number hain 2 and 3, main A 2 le leti hu aur B is equals to 3 le lete hain. Agar hum A प्लस बी करेंगे, दैट मीन्स अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, और अगर हम 3 प्लस 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा. प्लस चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, मतलब नंबर्स को किसी भी वे में प्लस कर लो, आएगा क्या, सेम आएगा. दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल होता है किसके, अब ब्रैकेट कहाँ आ जाएगी, a प्लस b के प्लस c. सेम इसमें भी क्या है, अब पहले हमने दो नंबर लेके किया है, अब इसमें क्या होगा, नंबर 3 लेके करेंगे. यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि नंबर्स को किसी भी तरीके से किसी को भी किसी के साथ पहले प्लस करके ऐड करेंगे तो सेम आएगा. अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पहले उन्होंने इसको प्लस किया है, जो आंसर आएगा फिर इसमें प्लस करेंगे. वो कहता है इसी के इक्वल होगा, किसके इक्वल, पहले इन दोनों को कर लेंगे इसको बाद में करेंगे. इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. ए इज इक्वल्स टू 2, बी ले लो 3 एंड सी इज इक्वल्स टू ले लो 4. पुट करो अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. ए 2 है, बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 4 है. अब क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7. 2 प्लस 7 कितना आ गया हमारे पास, 9. अब हम ऐसे ही राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं क्या इक्वल आता है. अब क्या आएगा, a प्लस बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3, दोनों पे ब्रैकेट डाल दी प्लस सी, सी कितना है 4. 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5. 5 प्लस 4 ये भी कितना हुआ, 9. बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स कहने का मतलब नंबर्स को किसी भी वे में प्लस कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. हैडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, अंडर मल्टीप्लीकेशन अगेन सेम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, वहां हमने प्लस डाला था, यहां पे क्या आएगा, ए इंटू बी, बी इंटू ए. इसका मतलब यहां पे भी मैं फॉर एग्जाम्पल लेके करवाती हूँ. ए मेरे पास 2 है, बी हमारे पास 4 है. अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो भी 8 आएगा, अगर 4 को करेंगे 2 के साथ तो भी क्या आएगा, 8 आएगा. सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेम एसोसिएटिव जैसे एडिशन में किया था, सेम इसमें भी होगा. वहां प्लस था, यहां पे मल्टीप्लाई होगा. a इंटू बी ब्रैकेट में होगा, b इंटू सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स चेंज होके कहाँ जाएंगी, a मल्टीप्लाई बी और ये c. इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं. a हम यहाँ 2 ले लेंगे, b ले लेंगे हम 3 और c ले लेते हैं 1.
अब a मल्टीप्लाई बी इंटू सी, अब a क्या है 2, b कितना है 3 और मल्टीप्लाई 1। अब 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 1 कितना हुआ 3, 3 2 को 3 से किया कितना आया 6। सेम राइट साइड पे राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी इंटू सी, ए कितना दे रखा है उसने 2 और बी कितना है 3 इंटू सी, सी कितना है 1, 2 3 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 6। अब देखो मल्टीप्लाई फिर हमने किसी भी वे में मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर फिर से क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। नेक्स्ट थर्ड इज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या होता है, यहां उसने दे रखा होगा ए इंटू बी प्लस सी। अब ये किसके इक्वल होगी, अब ये ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी है, ए ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, मतलब ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। फिर यहां साइन कौन सा है प्लस का, यहां साइन आ जाएगा हमारे पास प्लस का। अब ए ने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ भी, यहां आएगा ए मल्टीप्लाई सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी दोनों अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी तो भी मेरे पास उतना ही आंसर आएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, मतलब दोनों को सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले पुट कर लें, ए कितना है 1, बी कितना है 2 प्लस सी कितना है 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करें, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, ये तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई 5। अब सेम हम राइट हैंड साइड में पुट करके देख लेते हैं, पहले ए, ए कितना है 1, बी कितना है 2, 1 इंटू 2 प्लस ए फिर से कितना है 1 और सी कितना है 3। अब पहले मल्टीप्ली बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस 3, अब 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, देखो आंसर फिर से क्या आ गया सेम। अब कहने का मतलब चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व करो चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व करो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम होगा, बट ये प्रॉपर्टीज आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट वी हैव रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड एडिशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन मीन्स अगर मेरे को ए दे रखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगेन प्लस 2। अब मैं इनको, एक तो मेरे पास मेथड है कि मैं इन सबको प्लस कर लूँ, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 देन 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 2 14। एक तो मेथड ये हो गया कि मैं इन सबको प्लस कर लूं और 14 लिख दूं, एंड सेकंड मेथड मेरे पास ये है कि मेरे पास ये रिपीट क्या कर रहा है 2 और कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है 7 टाइम्स, तो 7 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 14, ये हमारा क्या होगा आंसर। मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर बहुत बार मेरे पास रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो मैं उसे जितनी बार वो रिपीट कर रहा है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सीधा उसका एडिशन आ जाएगा, हमें प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रिपीटेड एडिशन। उसके बाद मेरे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। उसमें अब देखो आपने ये तो सुना होगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन कैसे होता है इसको हम एक ट्रायंगल के थ्रू समझ लेते हैं। ये यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा लिया, यहाँ लगाया मैंने माइनस का साइन, यहाँ पे भी हमने लगा लिया माइनस का साइन। अब यहाँ एक ट्रायंगल बना ले, ये हमने बना ली एक ट्रायंगल। अब देखो अगर मैं प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो थर्ड क्या बचा माइनस, मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस इक्वल्स टू क्या होता है माइनस। अब सेम देखो अगर मैं देखूं माइनस प्लस, अब इन दोनों को माइनस प्लस को अगर ऐसे हाइड कर लेते तो क्या बचता है माइनस, दैट मीन्स माइनस प्लस
प्लस इक्वल्स टू माइनस। अब थर्ड अगर ऐसे ही देख लें, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, मतलब नीचे वाले को अगर हाइड कर ले तो ऊपर क्या बच रहा है, प्लस, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस। सेम वन थिंग, प्लस प्लस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, प्लस प्लस माइनस करने लग जाते हैं, पर प्लस प्लस माइनस नहीं होता, प्लस 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 ही होता है। अब एक बार फिर से देख लो, प्लस माइनस, इसको हाइड कर लिया क्या आया, माइनस। सेम इसको देखो, प्लस माइनस, इनको हाइड कर लो क्या आएगा, माइनस। माइनस माइनस क्या बचा, प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये हमारे कुछ रूल्स थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ये हमारे आगे हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे। अब ये सारा लेक्चर आप नोट कर लेना, बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।